गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी ऑनलाइन क्लास। हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है, री की मात्रा, चैप्टर नंबर 7, री की मात्रा। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है री की मात्रा का ज्ञान करवाया जाएगा, सरल वाक्य पढ़ने एवं लिखने में सक्षम होना। ठीक है, री की मात्रा क्या है, उसको किस तरह से लिखते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद इसको पढ़ना और कैसे लिखना, इसको भी आप लोग सीख पाओगे। अक्षरों को जोड़कर लिखने का, यहाँ पे कुछ शब्द मैंने दिया है, उसको आप कर लोगे तो अक्षरों को बोलना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अक्षरों को जोड़कर लिखो। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, वो अक्षरों को जोड़कर लिखो। तो सबसे पहला अक्षर है, पहला अक्षर व जोड़ री जोड़ छ, क्या बनता है, आपस में जब जोड़ दोगे तो उच्चारण क्या निकल के आता है, बोलिए थोड़ा सा ट्राई करो, व जोड़ री जोड़ छ, आपस में जोड़ने से वृक्ष, वृक्ष। ये री का उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ठीक है, वृक्ष। नंबर टू, व जोड़ री जोड़ स जोड़ ह, जोड़ने पर वृषभ, वृषभ। इसके बाद नंबर थ्री, म जोड़ री जोड़ ग, क्या बना, मृग। फिर से एक बार ट्राई करो, मृग, म जोड़ री जोड़ ग, क्या बनता है उच्चारण, मृग। नेक्स्ट नंबर फोर, क जोड़ री जोड़ पा जोड़ अण, ठीक है, अण, जोड़ने से कृपाण, क्या बनता है, कृपाण। इसके बाद फाइव, अ जोड़ म जोड़ री जोड़ त, आपस में जोड़ने से शब्द बनता है अमृत, ठीक है, अमृत। लास्ट घ जोड़ री जोड़ अणा, घ जोड़ री जोड़ अणा, क्या बना, घृणा, घृणा। फिर से घ जोड़ री जोड़ अणा, घृणा, घृणा। ठीक है, नंबर वन वृक्ष, नंबर टू वृषभ, नंबर थ्री मृग, नंबर फोर कृपाण, नंबर फाइव अमृत, नंबर सिक्स घृणा, घृणा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे पेज नंबर 19 में कुछ सेंटेंस भी इसी री की मात्रा प्रयोग करके जो शब्द बने उससे कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, हम लोग एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग पढ़िए, वहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। वृषभ तृण चर रहा था, वृषभ तृण चर रहा था। नेक्स्ट, भारत हमारी मातृभूमि। थर्ड, पानी वृथा मत कर, पानी वृथा मत कर। नंबर फोर, वह कृषक का हल था, वह कृषक का हल था। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स मैंने गूगल क्लासरूम में दे दिया, आप लोग इसे देख देख कर अच्छे से हैंडराइटिंग में आप लोगों को करना है, ठीक है, मार्जिन देना है, डेट्स डालना है, ठीक है, डेट डालना है, लेसन का नाम और फिर चैप्टर जो टॉपिक है उसको लिखना है। ध्यान रखना ये मात्राओं का टॉपिक है तो थोड़ा मात्राओं पर ध्यान देना है लिखते समय, ठीक है। अगर कोई शब्द आप लोग को कठिन लग रहा है उसको ब्रेक करो, ठीक है, उसी में ही आप लोगों का जो डाउट्स है क्लियर हो जाएगा, उच्चारण भी ठीक हो जाएगा। मात्राओं का सही सही उच्चारण करो, ठीक है, प्रैक्टिस जितना करोगे, उच्चारण प्रैक्टिस जितना करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक नया टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू।